ദൈവവസ്മിതാം പ്രാതൃശേഷമായ ക്രമണ എന്തായ ഭാഗം ആത്മശ്രേഷ്ഠുഷ്യാത്മീരീരമാണ്യപ്രസന്നിപ്പാഹീതാം പൂർവോത്സമാനം മമ സ്മത്ത സൗന്ദര്യ പൂർണ്ണത്തെ പ്രാപ്താമിത്തം ആവാഹാമ്യം ആവോദിവാസിമേ സമൃദ്ധരേ ആവോദിവാസാസികോ ജഗ്നിയാസോ ഹവാമേ പൂർണ്ണതാം പ്രഭൂ അതോസ്മാനം സാ ദീർഘോ സാ ചിന്താമി കല്യാണതാം മമ സൗന്ദര്യ പ്രത്യാഭൂതായോ സാധ്യത്തെ കല്യാണതം സാ പൂർണ്ണ പ്രസ്തുഭ്യം സമ്പാദതേ അവ സീതെ ബാഠ ജായേ ഔർ ബിൽക്കുൽ വക്ഷസ്ഥ നിക്ലാ ഹുവാ ഹോ ഔർ പാൽസി മാരി ഹോ സീതെ എക്ദം സേ ക്ഷമതാമാൻ ബൈഠേ മുട്ടി ബന്ധി ഹുയി ഹോ ऐसा लगे कि जैसे आप पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, शादी में जैसे मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं हो, मन में किसी प्रकार की निराशा नहीं हो, वह अपने आप में पूर्णता प्राप्त है निमित्त में तो स्मान सकृत कल्याणतम समस्त अवसरायाम मम ग्रह स्थापियामी पूर्णतम स्थापियामी नमः। ये अपना में तांत्रिक मंत्र है, इस मंत्र के बाद में उस मंत्र को बोलूंगा, पहले मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम पूर्वात्मस्वाने मम गोत्रेभ्यो बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, शर्मा हम नाम बोलिए, मम मन मंदिरे मेनका आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे रंभा आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे उर्वशी आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे तिलोत्तमाम आवाहयामि स्थापयामि, मन मम मन मंदिरे नाभिदर्शनाय आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे सुलोचनाम आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे कामिनी आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे चैतन्या आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे स्वर्णवल्लभा आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे चित्ताकर्षणी आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे देव्यो आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे रंजिनी आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे प्रत्युत्तमा आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे वश्यंकरी आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे चित्ताकर्षिणी आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे स्वर्णोत्तमा आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे पूर्णत्वा आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे सौंदर्योत्तमा आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे विशालाक्षी आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे स्मिता आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे हंसिणी आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे ग्रीवायाम आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे प्राणवल्लभा आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे दिव्योत्तमा आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे चित्तोत्तमा आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे हीरोज्वला आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे इंद्राक्षी आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे जीवंतयामि आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे नाभिदर्शना आवाहयामि स्थापयामि, मम मन मंदिरे जंगोभ्य आवाहयामि स्थापयामि, मम मंदिरे पूर्णत्वाम दीर्घोत्तमा चिंत्योत्तमा समस्त रंभा उरुष्यो मेनका अप्सराय यक्षिणाय किन्नराय समस्त विविध रूपेभ्यो विविध गात्रेभ्यो विविध दिव्येभ्यो समस्त आवाहयामि मम शरीरे स्थापयामि नमः।
ता चिन्तयामि एतोस्मानं सकृते कल्याणं तां पूर्णत्वं एतोस्मानं आयामि दीर्घोत्स्मानं सा चिन्त्यो प्रचिन्त्यां सा पूर्वस्यां सत्यामि नित्वा पूर्वा दीर्घोत्स्मानं सकृते कल्याणं तां नामोसा दीर्घा सा पूर्णत्वं पुनः एतोस्मानं सकृते कल्याणं तां सां प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं भवा भवा एतोस्मानं सा दिव्यं दिव्यं सा चिन्त्यामि एतोस्मानं कल्याणं तां नमोसा सदा पूर्वा एतोस्मानं आवायामि आवो देवा श्रीमहे वामं प्रतिधरे आवो देवा आसिक ओजग्नियासो वामहे। आप बिल्कुल अब मेरी तरफ देखेंगे बिल्कुल प्रत्यक्ष और हिलेंगे नहीं। साम पंडरवाम एतोस्मानम आवाय में आवाहन करता हुआ स्थापन करता हूं और सामने प्रत्यक्ष हो आपको दिखेगा। ओम आवो देवास इमहे वामं प्रतिधरे आवो देवास आसिको यज्ञासो हवामे साम पूर्वायन्द्रो सा पूर्वायन्द्र सभायाम सा विष्णु सभायाम सदृ सभायाम सा इंद्रो तो आंदन देवी विश्वमर्तो अनुवर्तमानो भवन नितिंद्रम देवी विश्वमर्तो अनुवर्तमानो भवन्ना ए मृजमानम देवी शिशुमानो शिशा निर्तवान भुम्मा वृष्यामीन कमृम्मा सा कृतम कल्याणतम विविध सौंदर्यमय रूपेण मवायाम सापयामी समम विविध रूपेभ्य एतस्मान विविध नामेभ्यो सा विद्यादिभ्य विविध गोत्रेभ्यो मम समस्त शिष्येणाम ताम पूर्वा पुनः चित्तकर्षणी ताम पुनः प्राणस्वरूपिणी एतस्मानम कृते कल्याणतम पूर्वा सा दीर्घातोस्मानम कृते कल्याणतम सा नेत्रोभ्याम एतस्मानम गुरु साक्षी रूपेण चित्तकर्षणी ताम पूर्वम अपराधम पूर्वा श्राप साम श्राप क्रोध सा क्रोध भस्म भस्म रूपेण सातोस्मानम मम चलम सा पूर्वा अदोस्मानम मम निखिलेश्वरानंद रूपेण सा चित्त्याम पूर्णातोस्मानम सचिंत रूपेण एतोस्मानम सा नित्य स्मृषा क्रोधस्व रूपेण अग्निस्फुलिंग रूपेण सा ज्योतिष रूपेण ताम भस्मना प्रणति श्राप उर्वा एतोस्मानम समम आज्ञां परिपालय चित्तं प्रसादय साम चित्तो स्थाम परिपूर्ण स्वाचिंदो दीर्घो एतोस्मानम प्रतिकल्लांतम ना पूर्वा समस्त श्रीदेव्यो मवामि मम प्रत्यक्षम दर्शय दर्शय मम पूर्ण मनोरंजन मनोरंजनम सा चिंतन एतोस्मानम चित्ताकर्षण चित्ता मम द्रव्यम धनम यश प्राप्ति प्राप्त निताय समस्त मनोरंजना पूर्वा सेवा स्व एतोस्मान कृति कल्याण सा पूर्व विविध नाम व्यवसाय गोत्र व्यवसाय स्वामी पूर्व सा चिंतामी नमस्ते सचिव नमस्ते स्वार्थ नमस्ते स्मार्थ पुरातम ब्रह्म रूपेण तांसु रूपेण तां ज्ञान रूपेण अंत्य रूपेण तां विद्या रूपेण राम सौंदर्य रूपेण साक्षी रूपेण सा अरस रूपेण पुणत्व रूपेण सां पार्थ रूपेण गौरी रूपेण सा लक्ष्मी सा अलक्ष रूपेण सा क्वे रूपेण सा परिमाण रूपेण सा पुणत्व रूपेण सा सौंदर्य परिमाण रूपेण समस्त रूपेण आवायामि प्रत्यक्ष भवा 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 सा पूर्व प्रत्यक्ष कार्य सिद्धि करी 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 स्व पुरा स्वामी माज्ञा परिपाले पाले पाले सा नम यूसे एतोस्मानम सा एतोस्मानम गुरु पूर्णा पूरा स्वानम कृतपा पूर्वा सा चिंता परिपूर्ण स्वाम पूरा पूर्ण मन शक्ति प्राण देह जीव प्राण समस्त रूपेण सा मनोरंजन रूपेण सा कल्याण समस्त सौंदर्य प्राप्त रूपेण समस्त सुखारोपण रूपेण सा चित्ताकर्षण रूपेण समस्त परिपूर्ण तम एतोस्मानम सकृते कल्याणतम नम साक्षिकी पादकुंशा नमस्ते तम विद्वे भवंत एतोस्मृत कल्याणतम सातभ्यम संपर्दे। इनको इस यंत्र के ऊपर इन गुटिकाओं को आप रख दीजिए यंत्र के ऊपर दोनों फलों को हाथ में ले लीजिए दोनों हाथों में और सीधे बैठ जाएं मुट्ठी बंद कर दें और सीधे बैठ जाएं। मैं मंत्र बोलूंगा और मंत्र बोल के जब समाप्त हो तो आपकी आंख बिल्कुल बंद हो और आपके सामने पूर्णतः नारी स्वरूप सौंदर्य स्वरूप आपके सामने प्रत्यक्ष हो उस बिंब को आप लाएं और लड़की स्त्री हो तो अपने आप में पुरुष सौंदर्य कामदेव को अपने सामने लाए इस प्रकार का आपका चिंतन हो और कोई विचार नहीं। मैं उस मंत्र को बोल के समाप्त करूं आपके नेत्र बिल्कुल बंद हो। ओम पूर्णाजुषा पूर्वातोस्मानम सकृते कल्याणतां नमः सा पूर्व संस्थाय साम आवायामि मृत्युलोकेन आवायामि इंद्र सभायां सा परित्याज्य परित्याज्य सा वस्त्र रूपेण सा एतोस्मानम अत्यन्ति पूर्वा साक्षामि कल्याणतां नमः सत्तमो तेजोस्मानम सकृते कल्याणतां नमः पूर्णत्वं दरि पूर्वतोस्मानम सा तुभ्यं मम दृष्टय मम दृष्टय मम दृष्टय मम जीवन्त मम जीवन्त मम जीवन्त मम आज्ञां मम आज्ञां मम आज्ञां परिपालयं 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 गुरु आज्ञां सा चिन्तु रूपेण सा चिन्तु रूपेण परिपालं तुभ्यं यदि मानं सा मम हरे मम मन्दिरे मम दृष्टि रूपेण मम समस्त शरीरे समीपे आयाम स्थापयामि नमः। ओम पूर्णां परिपरां पतसु पूर्णां पुनरापतः वस्तेव कायकमूर्जगुं सदक्षतो सां पूर्वादुष्मानं सकृतं कल्याणतां समस्तभ्यम निर्मतम बोझोति पूर्णाम पूर्णमदम मदा पूर्वादुस्वानम हे त्वाम पूर्वोदुस्वानम सा इकोभ्य मदा पूर्वसाम मेकाम पूर्वासातुभ्यम संप्रदे। अब फल आप सामने रख दीजिए गुरु प्रार्थना
குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரு சுனகமலேபியோ நமஹ. தியான மூலம் குரு மூர்த்திர பூஜா மூலம் குரு பதம் மந்திர மூலம் குரு வாக்கியம் மோட்ச மூலம் குரு கிருபா. த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ த்வமேவ பந்தோஸ்ச சகா த்வமேவ த்வமேவ வித்யா த்ரவிணம் த்வமேவ த்வமேவ சர்வம் மம தேவ தேவ யாம் பூஜ்யாம் சாங்காயஷ பரிவாராய சாரிதாய சத்யகாய புண்ணமுத்தரார்த்தம் சா குறியாத. ये प्रयोग मैंने करवाया है, ये आधा प्रयोग है, पूर्वार्ध है. उत्तरार्ध होली जहां जलेगी वहां पर इस यंत्र को इन दोनों फलों को इन गुटिकाओं को अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी कोई सामग्री वहां ले जाने की जरूरत नहीं है. इसका उत्तरार्ध इसी प्रयोग का उत्तरार्ध वहां होली में होगा. मैं बता दूंगा वहां आपको कैसा करना है. और होली प्रज्वलन के पहले हम आरती जो हुई नहीं है उस आरती करते हैं, मगर ये गुटिका बिल्कुल अपने पास रखें, ध्यान रखें. फल और यंत्र वापस लिफाफे में डालना है तो लिफाफे में डाल दें, वहां लेके चलना पड़ेगा. सभी गुरु भाई खड़े हो जाएंगे. கர்பூர கௌரம் கருணாவதாரம் சம்சார சாரம் முருகேந்திரஹாரம் சதா சந்தம் அரவிந்தே பவம் பவானி சை. ஓம் ஜெய குருதேவ தயா நிதி தீனநஹித காரி ஜய ஜய மோஹவிநாசக ஜய ஜய மோஹவிநாசக பவ பந்தனஹாரி. ஓம் ஜய 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 பிரம்மா விஷ்ணு சராசர குரு மூரத தாரி புராண பகா நத வேத புராண பகா நத குரு ஓம் ஜய தப தப தீர மதான விவித குரு பின குரு பின ஓம் ஜய ஜய மாயா மோஹனதி ஜல ஜீவ பயே நாம ஜாக்கர நாம ஜாக்க குரு பலமே தாரே. ஓம் ஜய 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 மதமாசோர ஜான கடகதே கரமே ஜான கடகதே கரமே குரு சபசம்ஹாரே. நானா பந்த ஜகதமே நிஜ நிஜ குண காவே சபகா சார பதாகர சபகா சார பதாகர குரு பாரக லாவே. ஓம் ஜய ஜய குரு சரணாம் ரத நிரமல வச்சன சுனந்த ஸ்ரீ குரு கே வச்சன சுனந்த ஸ்ரீ குரு கே சபய தன மன தன சப அரபண குரு சரண பரமானந்த பரம பத மோட்சி. ஓம் ஜய 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 ஓ ஜய 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 குரு தேவ 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 ஓ ஜய ஜய ஜய
इसका उत्तरार्ध कैसे होगा, क्या करना है, दोनों बातें आपको समझा देता हूँ। कुछ बातें आपको समझा रहा हूँ वो समझ लें, फिर इसका जो मंत्र है वो मंत्र आपको बता देता हूँ, गोपनीय मंत्र है इस पूरी साधना का, उस मंत्र को आपके सामने उच्चारण करवा देता हूँ। बोलिए ओम रीम रीम मम मनोवांछित अप्सरा सिद्धिं दर्शय प्रत्यक्षम भव रीम फट। ओम रीम रीम मम मनोवांछित अप्सरा सिद्धिं दर्शय प्रत्यक्षम भव रीम फट। ओम रीम रीम मम मनोवांछित अप्सरा सिद्धिं दर्शय प्रत्यक्षम भव रीम फट। इसमें दो बातें ध्यान रखने की हैं, मम की जगह अपना नाम बोलेंगे, ओम रीम रीम किशनलाल जो भी नाम हो, मनोवांछित अप्सरा अप्सरा का नाम बोलेंगे, मनोवांछित अप्सरा शब्द नहीं बोलेंगे, रंभा बोलेंगे या उरुषि बोलेंगे या मेनका बोलेंगे, जो मैंने आपके शरीर में स्थापन की है 108 अप्सराएं उनमें से कोई भी एक नाम बोलेंगे, नाभि दशना या स्वर्णाकर्षण जो भी हो, इस प्रकार से सिद्धिं दर्शय प्रत्यक्षम भव रीम फट। दो चीजें बदलनी है, मंत्र तो एक सामान्य मंत्र है, प्रत्येक का अलग अलग उसमें क्रिया होगी, मम की जगह अपना नाम बोलेंगे, मनोवांछित अप्सरा की जगह उस अप्सरा का नाम बोलेंगे, बोर्ड पर यह मंत्र लिख दिया जाएगा। और यह केवल इस होली जो पर्व मनाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे, ये ऑफिस के अंदर से होते हुए पीछे जाएंगे, पीछे ग्राउंड है, उस ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ पर काफ़ी लकड़ियों का ढेर किया हुआ है, उसके चारों तरफ आप खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे या खड़े हो जाएंगे जो कुछ भी हो, मैं फिर वहाँ पहुँचूँगा और उसमें फिर इस मंत्र को आप उच्चारण करेंगे या जो अप्सरा है उसके सामने ध्यान से चेतना करेंगे, और फिर ये जो गुटिकाएं हैं आपके सामने उन गुटिकाओं को आपके हाथ में रखना होगा। आगे क्रिया क्या करनी है मैं आपको वहां समझा दूंगा खड़े होकर के, मगर प्रसन्नता के साथ में, आशय के साथ में, और इस बीच में आप 5 मिनट का विश्राम या 10 मिनट का विश्राम लेकर के फिर वहां खड़े हो। विश्राम का मतलब है आपको चाय पीनी हो तो आप चाय पी सकते हैं, मगर केवल 10 मिनट, इससे ज्यादा फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा, और फिर वहां उसके चारों तरफ आप बैठ जाए आराम से उस होलिका के चारों तरफ जो वो ढेर बनाया हुआ है उसके पीछे ही, मगर ऑफिस में जाएं तो थोड़ी सभ्यता से जाएं, हड़बड़ाहट करते हुए नहीं जाएं,
थोड़ी तरीके से जाएं और वहां चारों तरफ बैठ जाएं, इस प्रयोग का पुरुषरण भय। कल सुबह जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वहां जब होलिका जलाई जाए तो तब तक वो खड़े रहें जब तक वो पूर्ण रूप से बुझ नहीं जाए। आधा घंटा पूर्ण घंटा लगेगा तो किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रयोग को घर में जाकर के कैसे प्रयोग करना है, केवल ये तीन दिन का, ज्यादा से ज्यादा तीन दिन का प्रयोग है। प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि को प्रयोग करना है, शुक्रवार की रात्रि को यह प्रयोग करना है। अप्सरा सिद्धि प्रत्यक्ष या रूपो जोड़ा सिद्धि प्रत्यक्ष या सौंदर्य प्रत्यक्षीकरण प्रयोग, इसके कई नाम है। सौंदर्य प्राप्ति प्रयोग, पूर्ण पौरुष प्राप्ति प्रयोग, अप्सरा सिद्धि प्रयोग, ये इनके कई नाम है। उनमें से आप में से प्रत्येक को यह करना ही चाहिए क्योंकि मैं तीव्रता के साथ में आपका प्रभाव दिया है। रात्रि को आप बैठे और कोई भी तरह के वस्त्र पहन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप धोती या कुर्ता ही पहने या ये गमछा आपके ऊपर हो, चाहे पैंट शर्ट टाई पाजामा कुर्ता धोती जो कुछ भी हो आप पहन करके बैठ सकते हैं। सुगंधित पदार्थ आपके लगे हुए हो, सामने या यंत्र रखा हुआ हो, उसके सामने गुटिकाएं रखी हुई हो सात या नौ या जो भी हो, उसके आगे दोनों फल रखे हुए हो, उसके बाद में इस मंत्र का जाप करना है, मगर पास में गुलाब के फूलों की माला हो। गुलाब आपके वहां नहीं मिलते हो, कोई जरूरी नहीं है गुलाब के फूल मिलते हो, तो किसी भी प्रकार के फूलों की माला हो वह पास हो। फिर पूर्ण ध्यानस्थ होते हुए अपना संकल्प लें कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम, अमुक गोत्र, मैं इस अप्सरा को पूर्णतः प्रत्यक्ष सामने में दिखाई दे, मेरी आज्ञा पालन करे, मेरे पास रहे, इसके लिए मैं आपको आह्वान करता हूं और मैं आपके साथ प्रणिपात करता हुआ, अपने संबंध स्थापन करता हुआ मैं आपके साथ में जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, जीवन यापन करना चाहता हूं। इस प्रकार का संकल्प जल में लेकर के और दीपक जले, अगरबत्ती जले और फिर इस मंत्र को आप पढ़ें। केवल 11 माला मंत्र जाप करना है रात्रि को 10 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी। मगर इस बात का इसमें जरूरी ध्यान रखना है कि रात्रि का मध्य रात्रि बीच में से बीते, यानी 12:30 से पहले खत्म नहीं करना है। जब भी आप 10 बजे शुरू करें या 11 बजे शुरू करें, 1 बजे कम से कम समाप्त हो या 2 बजे समाप्त हो या 4 बजे समाप्त हो, मध्य रात्रि कहलाती है। 11:35 से 12:35 को मध्य रात्रि कहते हैं। मध्य रात्रि के समय मंत्र जाप अनिवार्य है। 11 माला से पहले आप उठे नहीं, यदि किसी प्रकार की आवाज भी हो या घुंघरों की आवाज हो या दरवाजे खटखटाहट की आवाज हो, मगर आप पूरी माला 11 करने के बाद ही इधर उधर देखेंगे। मैंने इसी प्रयोग को इसी तरीके से सिद्ध किया था जिस प्रकार से मैंने आपको सिद्ध करवाया है। यदि कोई पास में आके बैठा, आपको लगे कि मेरे पास में कोई बैठा हुआ है, तब भी आप माला पूर्ण करने के बाद ही एहसास करेंगे कोई बैठा है या नहीं बैठा है, या बात है कि नहीं है। कोई सुगंध का झोंका आया, लगेगी कमरे में कोई आया है, तो आपका मन व्याकुल या व्यथित नहीं हो, इधर उधर देखें नहीं। एक शुक्रवार, फिर उसके बाद वापिस अगले शुक्रवार को, एक शुक्रवार को यदि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो जाए तो गुलाब की माला उसके गले में पहना दें, नहीं हो तो अगले शुक्रवार को करें, बीच में 5-7 दिन नहीं करने की जरूरत है। और अगले शुक्रवार को नहीं हो तो फिर तीसरे शुक्रवार को करें। इसमें दो राय है ही नहीं कि आप 3 शुक्रवार करें और आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा संभव अगर हुआ तो मैं गुरुपद को छोड़ दूंगा, मैं गुरुपद रखूंगा भी नहीं, ये गारंटी की बात है। जब आपके सामने प्रत्यक्ष हो तो आप जो वो कहे आप सुने, वो कहेगी कि मैं आपके साथ 2 दिन रहूंगी या 2 साल रहूंगी या 5 साल रहूंगी, ऐसा कुछ भी वचन बोल सकती है। आपको यही बोलना है कि आप जीवन पर्यंत मेरे पास रहेंगी, मेरी आज्ञा का पालन करेंगी और मैं जीवन पर्यंत आपके साथ पूर्ण शुद्धता के साथ रहूंगा। शुद्धता का मतलब है एक विश्वास के साथ रहूंगा। इसलिए अगर अगले शुक्रवार को भी दूसरे गुलाब की फूल माला रखनी पड़ेगी, तीसरे में भी गुलाब की माला ताली रखनी पड़ेगी, 3 में से 3 आप ये प्रयोग आपको करना ही चाहिए और ये आवश्यक है। मंत्र यहां लिखा हुआ होगा, चलो प्रीति मंत्र हो गया।